बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। इस गाड़ी में हम आपको 200 सीसी प्लस वाली गाड़ी का पूरा व्यू देंगे, जिसमें हम बॉडी की पेमाइश करेंगे, वजन की कैपेसिटी कितनी है वो बताएंगे, पेट्रोल की एवरेज कितनी है ये बताएंगे, रेट बताएंगे। इसमें अगर आप इसके प्रूफ वाली वीडियो चाहते हैं जिसमें बंदे ने 4-5 टन वजन लोड किया हुआ है, तो वो चैनल में जा गए या आईडी में जा गए वो वीडियो आप देख सकते हैं। आए टाइम कम हम ज़ाया करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं जनाब। फ्रंट हेडलाइट की बात कर लूँ तो बहुत बड़ी से फ्रंट हेडलाइट लगी हुई है, जो इतनी बड़ी हेडलाइट अभी किसी भी गाड़ी को भी नहीं आ रही। ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों लाइटों का, ये एक साइड की लाइट और दूसरी साइड की लाइट लगा के, इसकी ऊपर वाली लाइट अलग है, नीचे वाली लाई गई, यानी कि एक अलग नीचे LED लाइट लगी हुई है और दरमियान में बल्ब लगा हुआ है। साथ में जी इसे जो इंडिकेटर लगे हुए हैं वो LED लगे हुए हैं जनाब, और एक नया डिजाइन है, ठीक है, तीर टाइप का। उसके अलावा जी इसकी जो स्पेशलिस्टी है जनाब, इसके डबल शॉक है, ठीक है जी, और आगे अंदर स्प्रिंग है, यानी कि ये मुकम्मल स्टील का रॉड है, ये बीच में से हाल ही नहीं है, मुकम्मल बिल्ड हुआ होता है। उसके बाद ये बड़ा शॉक लगा हुआ है। उसके अलावा जनाब आगे पढ़ लगे होते हैं जनाब लोहे के। उसके अलावा इसे जो रेडिएटर लगा हुआ है उसके जाली के साथ कवर भी किया था, कि अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो, क्योंकि ये जाली का जो रेडिएटर की जो अंदर सिस्टम बनाया होता है ना, वो उसका होता है सिल्वर का, वो बेंड हो जाता है जैसे ACOं का होता है। आगे पंखा भी लगा होता है रेडिएटर के साथ। उसके अलावा जी इसको जो चेसी लगी हुई है वो 4 इंच की चेसी है, यानी 4 इंच का इसका फ्रेम लगा हुआ है। ये आगे से ले के लास्ट तक, यानी कि चेसी होगी और होगी भी 4 इंच की। इसके अलावा जो ये पानी वाली बोतल लगी हुई है वो भी लोहे की है, प्लास्टिक का ऊपर सिर्फ शो के लिए उन्होंने शो पट्टी लगाई है, बाकी ये लोहे की है सारी। उसके अलावा जनाब इंजन की बात कर लूँ, जॉनसन का 200 सीसी प्लस वाला इंजन है, और इसमें जो 200 सीसी वाला इंजन होगा ना उसके साथ ये सारी बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है, वो यानी कि इस जो बनाए हुए हैं इसे क्या कह सकते हैं, गार्डर टाइप बनाए हुए हैं एक्स्ट्रा, वो नहीं होगा उसका, बिल्कुल ये इस तरह स्ट्रेट होगा, ठीक है। और ये दो प्लस होगा जब आप स्पेयर पार्ट लेने जाएंगे, वो आपको स्पेशल पूछेंगे कि कौन सी गाड़ी है, सीवा की है कि कोई 200 सीसी, यानी कि सारे ब्रांड 200 सीसी का इंजन लगाते हैं ना, तो उनको फिर कुछ डीलर हजरात इसमें थोड़ा सा काट जाते हैं कि थोड़ी सी हकीकत छुपा जाते हैं। तो ये मामला है, इसको जो टैंक वगैरह लगा हुआ है फ्यूल टैंक, ये BMW की तरह का लगा है, और BMW कंपनी चाइना से इम्पोर्ट करती है ये वाली टैंकी टॉप पे अपनी गाड़ियों को लगाने के लिए। ओह माय गॉड। उसके अलावा जनाब इसको पावर गेट जो लगा उसकी डिटेल, दूसरी तरफ आ जाओ तो बैक गियर की सहूलत और फ्रंट गियर जैसे मोटरसाइकिल को लगते हैं वैसी ही सहूलत है इसके साथ। उसके अलावा हैंड ब्रेक की सहूलत है, इंजन जो लगा हुआ है जॉनसन का, ये जो होंडा अपनी कंपनी को लगाती है वो वाला इंजन इसको लगा हुआ है। टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर आप सामान भी रख सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं, सामान अभी इसके अंदर रखा हुआ है, जैक वगैरह हर चीज़ इसके साथ, टूल के स्टपनी वगैरह हर चीज़ इसके साथ होती है। इसके ऊपर छत की भी सहूलत कंपनी ने दे दी है, ताकि आपको बारिश से या क्या कहते हैं धूप वगैरह से आपकी सेफ्टी हो। उसके अलावा पीछे आप 3 पर्सन एक्स्ट्रा बिठा सकते हैं, जिसमें 3 सवारियां यानी कि पीछे ही बिठा सकते हैं, जो जिसने लोड किया हुआ माल वो आपको उसको साथ बिठा के भी लेके जा सकते हैं। नीचे की बात कर लूँ जहाँ ये डबल चेसी लगी हुई है, कोई भी कंपनी डबल चेसी नहीं लगाती, सिर्फ CY लगा रही है जी। उसके अलावा कार वाली बड़ी बैटरी लगी हुई है 7 प्लेटों वाली। उसके अलावा जी ये जो पावर गेट लगा हुआ है 4x4 गाड़ी अपनी सुजुकी अपनी गाड़ी को लगाती है जनाब। तो जनाब इसका जो स्पेशल पार्ट आ गए हैं, जिन्होंने लोड बर्दाश्त करना होता है, ये देखें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 7, 1, 9, 8, 9 कमाने के विंग्स लगे हुए हैं, और साथ में रेयर शॉक भी लगा हुआ है, साथ में स्टपनी भी पीछे ही अटैच है। इसकी चेसी जो है वो बिल्कुल लास्ट तक है, ठीक है जनाब। पीछे लाइटों की बात कर लूँ तो इसे LED लाइट लगी हुई हैं, साथ में जालियों से कवर भी कंपनी ने किया है। इसके पल्लों की हाइट और बॉडी पेमाइश वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी चौड़ाई की बात कर लूँ तो ये जनाब यहाँ से देख लें, बाहर से 53 इंच यानी 53 इंच इसकी बाहर से पेमाइश है, 4.5 फुट कह सकते हैं इसे, साथ में भरा लिखा हुआ है इन्होंने 4.5 फुट चौड़ाई की बात करूँ तो। लंबाई, इसकी लंबाई की बात करूँ तो जनाब ये एंजी टेप साड़ा ख़राब हो गया, 88-87 और 86 और 87 के बीच में आ रहा है, 7 फुट 3 इंच यानी 7 फुट 3 इंच की इसकी लंबाई है बाहर से।
जनाब अब आपको इसके रेट की बात बता दूं तो पहले सो छोटा सा डेमो चांदगारी ऑटो रिक्शे, उसके अलावा हमारे पास हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल है। तो आपको हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल का हम आपको हमसे खरीद सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी देते हैं और सियालकोट में किस्तों का काम भी करते हैं। सियालकोट के अलावा हम किस्तों का काम नहीं करते। अपना भी टाइम बचाएं, हमारा भी टाइम बचाएं। वीडियो ताकि पूरी देख लिया करें ताकि आपको हमने वीडियो में मुकम्मल डिटेल बताई होती है वो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो जनाब इसके रेट की बात कर लो तो 5 लाख का भी वैसे इसकी रेट की डिमांड है, ज़्यादा सी बात है तो। लेकिन जब आप आएंगे लेने तो इंशाल्लाह आपको मार्केट से कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। जितना आपको पूरे पाकिस्तान से नहीं कम रेट मिलेगा वो इतने में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। तो हमें रखिएगा याद, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।